मालवाड़ी सेवा समिति के द्वारा रविवार को हरिओम नगर स्थित एक निजी हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में मालवाड़ी सेवा समिति के सचिव दीपक अग्रवाल ने बताया कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी लॉकडाउन के कारण जीवन कष्टमय हो गया है तथा कोरोना महामारी में शहर के रक्त संग्रह कोष में रक्त की अत्यधिक कमी हो रही है, जिसकी कमी को दूर करने के प्रयास में मारवाड़ी सेवा समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविर में 73 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है। उन्होंने कहा कि रक्तकोष में रक्त की कमी के कारण अति आवश्यक चिकित्सा कार्य लंबित हो रहे थे, जिसको देखते हुए रक्तदान के कार्य में सभी ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा समिति का यह सदैव प्रयास रहेगा कि रक्त के अभाव में कोई भी जनहानि ना होने पाए। इस अवसर पर अजय अग्रवाल, विजय खेमका, रतनलाल जैन, नितेश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मारवाड़ी सेवा समिति के सचिव दीपक अग्रवाल ने कहा, बंद कर दिया करिए हमने, दीपक अग्रवाल मारवाड़ी सेवा समिति का मैं सचिव हूँ। देश के हर नागरिक का किसी न किसी तरह से इस देश के ऊपर कर्ज है और ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर उस कर्ज को चुकता करें। अगर हमारे ही परिवार का, हमारे ही देश का कोई एक बंधु जो रक्त की कमी के कारण पीड़ित है या उसको उपचार नहीं हो पा रहा है, तो ये हम सब की प्राथमिकता है कि उसको रक्त मिलना चाहिए। इसी चीज़ के अभियान चलाते हुए मारवाड़ी सेवा समिति के द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हम सब ने ये ठाना है रक्त से किसी भी तरह से किसी की जनहानि न हो, इसके लिए हमारा ये संकल्प है। समिति इसका अभियान चला रखी है, साल में कई बार इस चीज़ का आयोजन करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करा कर जो ज़रूरी है, जो मेडिकल चिकित्सा जिन्हें आवश्यकता है, रक्त की आवश्यकता है, उनको वो उपलब्ध हो सके। और ये किसी भी तरीके से हमारा संकल्प हमेशा ये चलता रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों को तक हम रक्त दान के माध्यम से उनकी सेवा करते रहें, उनको समाज सेवा से जोड़ते रहें और उनका कहीं ना कहीं लाभ करते रहें। और विगत कई वर्षों से ये कार्यक्रम हमारे यहाँ आयोजित हो रहा है।